सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हैं मोहित। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड करके बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे दबाना ना भूले, जिसकी हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो एम्पलीफायर बोर्ड जो मैंने खरीदा है अपनी नियर लोकल मार्केट से। तो ये ब्लूटूथ बोर्ड है, ये मुझे पड़ा 180 रुपीज़ का। आप इसे इजीली खरीद सकते हैं किसी भी लोकल मार्केट से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो आप इसे वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए इसे खोल के देखते हैं। तो इसमें कुछ वायर्स भी दी गई हैं, और ये देखिए खाली पॉलीथीन है, इसको साइड करते हैं। तो इसके साथ हमें ये दो वायर मिलती हैं, ये ऑडियो के लिए है, इस तरह के कुछ कनेक्टर मिलता है हमें, ये ऑडियो के लिए है, और ये मिलती है इसे पावर देने के लिए। इसे 5 वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये ऐसा एक टाइप का कनेक्टर मिलता है हमें, मैं आपको दिखाता हूँ, दे रहा है, हाँ इस टाइप का कनेक्टर मिलता है आपको। तो चलिए बोर्ड की बात करते हैं। तो ये एक नॉर्मल बोर्ड है, लेकिन मैंने बाय किया था ब्लूटूथ बोर्ड ही, लेकिन ये नॉर्मल बोर्ड है क्योंकि मैंने जो ब्लूटूथ बोर्ड है उसको अपने होम थिएटर में लगा रखा है। तो ये जो नॉर्मल बोर्ड है इसमें बस यही फ़र्क होता है ब्लूटूथ बोर्ड से, तो इसमें ब्लूटूथ होता है और उसमें ब्लूटूथ नहीं होता है। तो इसमें आपको मेमोरी कार्ड, USB, AUX के ऑप्शन मिलते हैं, आप ईज़िली वो सब लगा सकते हैं इसमें। और जैसे कि ये यहाँ पर मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हैं आप मेमोरी से, और ये रहा पेन ड्राइव, अगर आप चाहते हैं कि आप पेन ड्राइव से गाने सुने, और ये ऑक्स केबल के लिए, ये वॉल्यूम माइनस, ये सॉन्ग को पॉज या प्ले करने के लिए, वॉल्यूम प्लस, और ये मोड चेंज करने के लिए। ये ऑक्स पे लगाना है, USB पे लगाना है, या मेमोरी कार्ड पे लगाना है, तो उससे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसे पीछे की। ये तो ये देखिए जो मैकेनिज्म है तो कुछ ऐसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर होता है ऑक्स, मतलब जो इनपुट देना पड़ता है आपको अपने एम्पलीफायर बोर्ड से वो इसमें जाता है। एक मल्टीमीडिया बोर्ड है ये, आपको दिख रहा होगा, मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लगाते हैं अपनी एक कनेक्टर जो हमें हमको इसी के साथ मिलता है, जो कि ये है, जो भी मैंने आपको दिखाया था ये कनेक्टर, इसको हम इसमें लगाते हैं कुछ ऐसे ही। यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप ग्रुप्स के हिसाब से लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस साइड देखें तो हमें कनेक्टर मिलता है, इस साइड ये 5 वोल्ट पावर के लिए कनेक्टर मिलता है, दिख रहा होगा बिल्कुल USB के पास में हमको 5 वोल्ट के लिए कनेक्टर मिलता है ये वाला। यहाँ 5 वोल्ट पावर देते हैं अपने पावर सप्लाई से। एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा सा ये, और ये पोर्ट है जो अभी मैंने आपको दिखाया था आगे ये वाला, जिसमें कि आप USB कनेक्ट कर सकते हैं। ये है डिस्प्ले, जिसमें कि आपको नंबर्स दिखते हैं कि कौन सा मोड आपने लगा रखा है, और मतलब कि कौन सा सॉन्ग हो रहा है, क्या सॉन्ग की टाइमिंग है। तो एक लोकल सा डिस्प्ले होता है, बहुत ही चीप क्वालिटी का ये है, मैंने बाय किया है। तो अब चलते हैं, और ये है रिमोट कंट्रोल के लिए, आप जानते हैं इसमें आपको रिमोट मिलता है, वो रिमोट मैंने बाय नहीं किया। ये है एक IR सेंसर, आपको TV में मिलता है और उसमें भी लगा हुआ है। अब इसके नीचे बात करते हैं, तो नीचे देखिए ICs लगी हुई हैं बहुत सारी। ये रहा आपका ऑक्स कनेक्टर, और ये है मेमोरी कार्ड का स्लॉट, ये ऑक्स कनेक्टर, और ये 1, 2, 3 IC लगी हुई हैं, और ये कुछ बटन्स हैं जो आगे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कुछ जो ये पिन दिख रही हैं आपको, ये भी ऊपर की ये IR सेंसर की हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करना बोले, जिससे कि हमें वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो एंड करते हैं।